आईएएस अफसरों के हुए तबादले, वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह बनाए गए, तो वही आशुतोष निरंजन अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन बनाए गए, सुरेंद्र प्रसाद सिंह अपर श्रमायुक्त कानपुर बने, राकेश मिश्रा विशेष सचिव आवास बनाए गए, रामनारायण यादव विशेष सचिव एपीसी शाखा बनाए गए, विशेष सचिव गृह बनाए गए विवेक, पर आईएएसओ के तबादले हुए हैं। वहीं से तबादले में अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी पोस्टिंग दी गई है। वही वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह बनाए गए, आशुतोष निरंजन अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन बनाए गए, सुरेंद्र प्रसाद सिंह अपर श्रमायुक्त कानपुर बने। संवाददाता नितिन इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये 12 आईएएसओ के तबादले हुए हैं, किसको कहां पर पोस्टिंग मिली है, किसको कौन सा विभाग मिला है? देखिए, 12 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, विशेष सचिव लेवल के अधिकारी हैं, और इसमें आशुतोष निरंजन को विशेष सचिव नियोजन बनाया गया है। आशुतोष निरंजन अहम जिम्मेदारियां पहले भी निभा चुके हैं और उनको एक नई जिम्मेदारी फिर से दी गई है। इसके अलावा अन्य भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको अलग अलग पदों पर भेजा है। और इसके अलावा जो है, अगर हम आपको बताएं तो साफ तौर पर अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन बनाए गए हैं, वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं, राकेश कुमार मिश्रा विशेष सचिव आवास बनाए गए हैं, विशेष सचिव नियोजन विवेक कुमार को विशेष सचिव गृह बनाया गया है। तो इस तरह के बड़े जो तबादले हैं उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से देखने को मिला है। और एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, अब उसके बाद आईएएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल पर सही तरीके से पहुंचे, अधिकारियों का उसमें सही तरीके से जनता के बीच जो रोल है वो निभाया जाए और कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसलिए आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नितिन। प्राधिकरण ने टोल की जो दरें हैं वो तय की है। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 25% का छूट मिलेगा, कुल टैक्स 812 रुपए पर 25% का छूट मिलेगा। कार और हल्के वाहन के लिए 2.45 प्रति किलोमीटर, वही मिनी बस के लिए ₹3.90 प्रति किलोमीटर। आगरा लखनऊ और बुंदेलखंड एक्सप्रेस टोल प्रबंधन आपस में जुड़ेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ₹610 का टोल लगेगा। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने टोल की दरें तय की। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 25% तक की छूट, कुल टोल टैक्स 812 रुपए पर 25% तक की छूट मिलेगी। कार और हल्के वाहन के लिए ₹2.45 प्रति किलोमीटर की दरें, मिनी बस के लिए ₹3.90 प्रति किलोमीटर की दरें। आगरा लखनऊ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल प्रबंधन आपस में जुड़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। वैसे तो सपा अध्यक्ष हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं। बीजेपी के राज में कमाई घटी और महंगाई लोन पर ईएमआई बढ़ी, आज जनता का दुख दर्द ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सभी बातें कही हैं। सरकारों की खरीद फरोख्त में लगी भाजपा, बड़ा इल्जाम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। हमेशा से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं ट्वीट करके। अररिया में खाकी हुई शर्मसार, पुलिस कर्मियों में आपस में चले थप्पड़, वीडियो वायरल। अब हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपस में ही पुलिस कर्मियों में विवाद हुआ है, बंटवारे को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के बाबरपुर कस्बे का मामला सामने आया है। अररिया में खाकी हुई शर्मसार,
पुलिस कर्मियों में आपस में चले थप्पड़, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मछुआरे को लेकर दोनों में हुआ था विवाद, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। संवाददाता ऋषि इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये जो पुलिस कर्मियों के थप्पड़ वाला वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इसका सच है और क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैम, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला अजीतमल कोतवाली का है, जहां दो सिपाही रात में कुछ चैन लेन को लेकर आपस में झगड़ा और विवाद हुआ था। अब इस पे क्या किस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है ऋषि, वीडियो वायरल होने के बाद? ये आपको बता दें, जो अभी तक कोई किसी भी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये वीडियो अजीतमल का बताया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।